राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 6, 3 सिक्स 18, ठीक है। 2 टाइम्स 6, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 सिक्स 12। अब यहाँ क्या है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 6 है, तो आप यहाँ राइट कीजिए 4 टाइम्स 6, यानी 4 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 सिक्स जी टेबल सबने याद किए, मैंने कहा था ना आप लोगों को बहुत पक्के याद होने चाहिए टेबल। 4 सिक्स बताइए 24, 4 सिक्स 24, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 8 टाइम्स 6, यानी आपको ये बॉक्सेस जो है वो फिल करने हैं, तो आप क्या करेंगे 8 टाइम्स 6 लिखेंगे, ठीक है। 1 टाइम 2, तो क्लास ये देखें 8 टाइम्स 6 था, तो हमने क्या किया 6 को 8 टाइम्स लिखा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 6 यानी 8 मल्टीप्लाई 6, 8 सिक्स यस बताइए 8 सिक्स 48, ठीक है। इसी तरह यहाँ है 7 मल्टीप्लाई 6, यानी यहाँ आप 7 टाइम्स 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जी प्लस लगा के आपने 7 टाइम्स 6 लिख लिया। अब यहाँ लिखिए कि कितने टाइम्स 6 है, 7 टाइम्स 6, ठीक है, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6, 7 सिक्स जी 42, 7 सिक्स 42, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको जी। अब ये दूसरा जो है वो बॉक्सेस, ये आप खुद को फिल करना है, देखें आप इसी तरह से करना है। ये क्या है, 7, कितने टाइम 7 है जी, 3 टाइम 7 है ना, आप यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 सा 21, ठीक है। इसी तरह ये सब बॉक्स आपको खुद फिल करने हैं। अब पेज नंबर 57 पे देखिए क्या है जी, पेज नंबर 57 पे आपको बताया गया है कि टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 6 किस तरह होता है, टेबल ऑफ 6 यानी 1 टाइम 6 होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं 6 वन जा 6 पढ़ते हैं ना, 1 टाइम 6 है तो 6, 2 टाइम 6 है तो क्या होगा जी बताइए, 2 टाइम 6 12।